Hi children, welcome back in my YouTube channel. Students, आज मैं आपको fractions के बारे में ही जो हमने इससे पहले पढ़े हैं उसके आगे के videos आपको मैं आज शेयर करने वाला हूँ. देखो बच्चों, ये class 5th का lesson number 4 है, fraction, addition and subtraction. इसमें exercise 4.5 आज हम देखने वाले हैं, 4.5, और इसका है क्वेश्चन नंबर 1 है. 4.5 का क्वेश्चन है, सिंपलीफाई द लाइक फ्रैक्शंस. तो हमें यहां क्या करना है, हमें सिंपलीफाई करना है लाइक फ्रैक्शंस को. तो इसके पहले हमने फ्रैक्शंस के एडिशंस देखे, फ्रैक्शंस के सबट्रैक्शंस भी देखे हैं. हमें एडिशंस करते समय और सबट्रैक्शंस करते समय दिए गए फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस करना जरूरी होता है. बच्चों, आप यहां पे देख सकते हो, ये मैंने टू क्वेश्चंस लिखे हैं यहां पर, क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी. इन दोनों भी क्वेश्चंस में दिए गए जो फ्रैक्शंस हैं यहां पर लाइक फ्रैक्शंस हैं. आप देख सकते हो क्वेश्चन बी में भी दिए हुए सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज़ दिस ऑल फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई दिस ऑल आर मींस दिस थ्री फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. And in the question B also, these three fractions are like fractions because they all have same denominator 11. Okay. तो आज हम पहले question A solve करेंगे, उसके बाद question B solve करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. पहले question में हमें fractions का addition करना है. क्या करना है? Addition. आप देख सकते हो फ्रैक्शंस दिए हैं 4/9 प्लस 2/9 प्लस 1/9. इफ यू सी इट केयरफुली, इफ यू ऑब्जर्व इट, दिस ऑल फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करना बहुत ही सिंपल होता है. जब भी लाइक फ्रैक्शंस हो, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा हो, तीन हो, चार हो, पांच हो या कितने भी हो, अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनका एडिशन करते समय हमें सिर्फ उनके न्यूमरेटर का एडिशन करना है. चलो सबसे पहले सॉल्यूशन. अब हमें क्या करना है, इन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एक साथ लिखना है और उनका डिनोमिनेटर हम एक लेंगे. देखो 4 प्लस 2 प्लस 1 बाय 9. अब हमने इन तीनों का एक ही डिनोमिनेटर लिया, न्यू 9, क्योंकि यहां पर सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, लाइक फ्रैक्शन है. ठीक है, तो सिंपली हमें न्यूमरेटर्स को ही ऐड करना है. तो इसकी अगली स्टेप रहेगी 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 बाय 9. अब ये जो हमारा अगला फ्रैक्शन, इसका जो सम आया है वो है 7 बाय 9. तो इसको हम लोएस्ट टर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसका लोएस्ट फॉर्म है. 7 प्राइम नंबर है, तो हम इसको और ज्यादा लोएस्ट टर्म में नहीं ला सकते. ठीक है, तो यहां पे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, यही इसका आंसर है. तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ये कैसे सॉल्व करना है. अभी हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अब अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पर भी तीन फ्रैक्शंस दिए गए और उसमें पहले हमें सबट्रैक्शन करना है, फिर बाद में एडिशन करना है. तो जैसा दिया है वैसे हम करेंगे. सबसे पहले 8 by 11 और 3 by 11 का सबट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद इसका जो आंसर मिलेगा उससे 5 by 11 को ऐड करेंगे. ठीक है, तो चलो लिखते हैं सॉल्यूशन. 8 by 11 माइनस 3 by 11 प्लस 5 by 11. अब इन दोनों का सबट्रैक्शन करेंगे. So these fractions are like fractions, that's why we have to subtract only numerator. Okay. So 8 minus 3, देखो 8 minus 3 by 11 plus ये as it is ले लेंगे 5 by 11. Okay. अब what is the subtraction of 8 minus 3? Yes, 5. Okay. So we got here 5 by 11. अगर हमने इसका subtraction किया तो हमें मिलेगा 5 by 11. और इसमें हमें ऐड करना है फिर से नेक्स्ट फ्रैक्शन, दैट इज 5 बाय 11. सो चलो इसका एडिशन करेंगे.
न्यूमरेटर का ही एडिशन करना है ओनली, क्योंकि ये लाइव फ्रैक्शन है. 5 + 5 = 10 एंड आवर आंसर इज 10/11. क्योंकि हम इसको लोएस्ट टर्म में नहीं कर सकते, 11 ए प्राइम नंबर है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल सॉल्व करा के दिखाए हैं. सिंप्लीफाई करें हैं फ्रैक्शंस को, एक में सारे एडिशंस होते हैं और एक में एक सब्ट्रैक्शन और एडिशन है. तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आया है, आपके काम में आएगा. बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.